हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दुबई में कंक्रीट या ढलाई कैसे होता है और किस मशीन से होता है, वो मशीन का नाम क्या है और ये मशीन हम यूज़ क्यों करते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, दुबई में कोई भी स्ट्रक्चर का अगर कंक्रीट कास्टिंग या फिर ढलाई होता है, जैसे कि स्लैब का हो या फिर फाउंडेशन का हो या फिर कॉलम का हो, कोई भी स्ट्रक्चर का अगर ढलाई होता है तो उसका जो कंक्रीट है वो साइट में नहीं बनता है, वो बैचिंग प्लांट से रेडीमिक्स मंगाया जाता है जो कि मिक्सर ट्रक में लोड करके साइट में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे डंप किया जाता है। साइट में मिक्सर ट्रक पहुँचने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि मिक्सर ट्रक हर जगह नहीं पहुँच सकता, जैसे कि अगर हाई लेवल हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का अगर कंक्रीट करना हो तो वहाँ पे तो मिक्सर नहीं जा सकता है, या फिर डाउन लेवल में तो नहीं जा सकता है मिक्सर, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे बूम कंक्रीट पंप यूज करते हैं जो कि अलग अलग साइज़ का होता है और ये सारा रिमोटिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसका फोर लेग होता है जो कि जैक के थ्रू इसको बैलेंस किया जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये जैक लगे हुए हैं, ये फोर लेग चार साइड लगा हुआ है जो जैक के थ्रू बैलेंस किया हुआ है पंप को। ये हो गया इसका होज जिसमें कंक्रीट मिक्स कंक्रीट को डंप करता है। इसमें सबसे पहले वाटर डाला जाता है, उसके बाद सैलरी जो कि जो पंप है उसको क्लीन करता हुआ जाता है, उसके बाद कंक्रीट डाला जाता है। और ये कंक्रीट होज के थ्रू उसके बाद पाइप में जाता है, बूम पाइप में, और पाइप के थ्रू जहाँ भी आप जिस स्ट्रक्चर में शिफ्ट करना हो विथिन 52 मीटर। ये मेरा जो पंप है 52 मीटर पंप का है, इसका साइज़ जो है, इसका लेंथ, बूम का जो लेंथ है 52 मीटर है। और कंक्रीट जहाँ आपको जिस स्ट्रक्चर में चाहिए वहाँ पे शिफ्ट कर देगा ये। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बूम कंक्रीट पंप कंक्रीट को शिफ्ट कैसे करता है। आज मेरा कंपाउंड वॉल का फाउंडेशन कंक्रीटिंग हो रहा है, कास्टिंग हो रहा है। ये हो गया पूरा बूम जो कि 52 मीटर है। ये छोटे छोटे पाइप से ज्वाइंट होकर के बनता है, 3 मीटर का पाइप। और इसका जो लास्ट वाला पाइप है वो रबर पाइप है, फ्लेक्सिबल, कंक्रीट करने में आसानी होती है। ये मिक्सर से ट्रांसफ़र हो रहा है फाउंडेशन में। बूम कंक्रीट पंप यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि लेबर कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, इसमें कम लेबर में कंक्रीट हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम टेकन है वो भी कम लगेगा, कोई भी स्ट्रक्चर का कास्टिंग करने के लिए टाइम बहुत कम लगेगा। उसके बाद इजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर आप कंक्रीट कर सकते हैं बूम कंक्रीट पंप से। ये पंप को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर बहुत ज़रूरी होता है जो कि रिमोट को कंट्रोल करता है। कंक्रीट आपको किस स्ट्रक्चर में चाहिए, कौन सा लोकेशन में चाहिए, ये सारा रिमोट के साथ कंट्रोल होता है। और ये पंप जो है, इसका सिस्टम जो है हाइड्रोलिक सिस्टम है। दुबई में इस पंप का जो चार्जेज होता है वो मीटर क्यूब के हिसाब से होता है। आपका स्ट्रक्चर कितना मीटर क्यूब है उस हिसाब से आपका चार्जर होगा। जैसे कि एक मीटर का यहाँ पे 15 dirham to 20 dirham लिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कंक्रीट पंप के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इसी टाइप का वीडियो मैं अपने चैनल में डालता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना, और अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।